हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू DBSC इंटर कॉलेज। पिछले वीडियो क्लास में हमने द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का आधा भाग पढ़ा था। आज हम उससे आगे देखेंगे। आगे है द नेक्स्ट 5 ईयर्स एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज। अगले 5 सालों तक, नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक एडिसन टूक अप जॉब्स, एडिसन ने नौकरी की इन डिफरेंट सिटीज़, भिन्न भिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में। अगले 5 वर्षों तक एडिसन ने अलग अलग शहरों में नौकरी की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालय का बढ़िया प्रयोग किया, अर्थात उसने पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और कार्यालयों में तथा कारखानों में वे विशेषज्ञों से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे। लर्नड अलॉट फ्रॉम देम, उनसे ढेर सारा सीखा। 5 वर्षों तक एडिसन विभिन्न शहरों में नौकरी किए। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय का अच्छा प्रयोग किया और कार्यशालाओं तथा कार्यालयों में विशेषज्ञों से मिले, उनसे प्रश्न पूछा और उस उत्तर से संतुष्ट होकर के लर्नड अलॉट फ्रॉम देम, उनसे ढेर सारा सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में और कठिन परिश्रम किए, अर्थात उन्होंने एक्सपर्ट्स से जो भी चीज़ें सीखी उसके अपने प्रयोगों में प्रयोग करके और कठिन परिश्रम किए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसी दौरान ये सब जब चल रहा था, इसी दौरान वे कुछ समय के लिए नौकरी विहीन हो गए, अर्थात उनके पास नौकरी नहीं रह गई, वो जॉबलेस हो गए थे। आउट ऑफ अ जॉब, उनके पास नौकरी नहीं थी। एंड वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, और एक मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे। इसी समय उनके पास नौकरी नहीं थी, बेरोजगार थे और अपने मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, दिस यंग मैन, यह नवयुवक आदमी अर्थात उनका दोस्त, वर्किंग इन अ कंपनी, एक कंपनी में कार्यरत था, कार्य करता था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। उनका मित्र एक कंपनी में कार्य करता था और उस कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर, मतलब वहाँ, एट द टाइम, मतलब उस समय जब मशीन रुकी उस समय एडिसन वहाँ थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और कुछ ही समय में उसको ठीक कर दिया। जिस कंपनी में उनका दोस्त कार्य करता था वहाँ एक महत्वपूर्ण मशीन थी। एक दिन मशीन अचानक रुक गई, एडिसन उस समय वहीं पर थे, उन्होंने मशीन को देखा और उसे कुछ ही समय में ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, कंपनी का प्रबंधक, कंपनी का जो मैनेजर था, उसने एडिसन को पसंद किया और उन्हें एक बढ़िया नौकरी दे दी, एक अच्छी नौकरी दे दी, एक गुड जॉब ऑफर किया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिसन ने अपने कर्ज को चुकाया, पे मतलब चुकाना, डेब्ट मतलब कर्ज। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला को विकसित किया और अपनी प्रयोगशाला को सुधारा। नौकरी पा गए एडिसन, उन्होंने अपने कर्ज को चुकता किया और अपनी प्रयोगशाला को सुधारा। द नेक्स्ट 6 ईयर, अगले 6 साल तक एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, अगले 6 साल तक एडिसन ने आविष्कारों का एक क्रम सा बना दिया, अर्थात उन्होंने एक के बाद एक आविष्कार किए। अगले 6 सालों तक, द नेक्स्ट 6 ईयर्स एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 सालों तक एडिसन ने अपने प्रयोगों का एक क्रम बना दिया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली, एक के बाद एक तेज़ी से उन्होंने खोजें की।
एंड एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने ज़्यादा पैसा और ज़्यादा फेम प्रसिद्धि कमाई। उन्होंने अगले 6 वर्षों में एक के बाद एक खोजे की जिससे उन्हें ज़्यादा पैसा और ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इन 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वे एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहे थे जो मनुष्य की आवाज़ को उत्पन्न करती थी, अर्थात मनुष्य की आवाज़ पैदा करती थी, उसमें से मनुष्य की आवाज़ आती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल ही एक्चुअली मेड वन, अगले साल अर्थात 1978 में उन्होंने ऐसी एक मशीन बनाई। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, या तब टॉकिंग मशीन अर्थात बोलने वाली मशीन या बात करने वाली मशीन के नाम से जानी गई। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। जब इन्होंने बनाया था 1878 में, इसे बोलने वाली मशीन के नाम से जाना गया, अब हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, इसी साल अर्थात 1878 में ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। इसी साल अर्थात 1878 ईस्वी में इन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। व्हाइट हाउस वह हाउस है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति उसमें निवास करते हैं, वहाँ रहते हैं और उनका कार्यालय है, अर्थात अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान पर इनको आमंत्रित किया गया। डेट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, यह उस घर का नाम है, उस भवन का नाम है जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ पर रहते हैं। एडिसन वहाँ गए टू शो दिखाने हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन, टू द प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को। एडिसन वहाँ राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यह उनको पूरे अमेरिका में प्रसिद्धि दिलाया या प्रसिद्धि का कारण हुआ, अर्थात इससे वे पूरे अमेरिका में प्रसिद्धि पाए, पूरे अमेरिका के लोगों के द्वारा जाने गए। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड परस्परस, अब वे सफल और समृद्धशाली थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट, इन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय टू हिज मदर, अपनी माँ के हेल्प, मदद अर्थात सहायता, एंड इनकरेजमेंट और उत्साहवर्धन को दिया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ के सहायता और उत्साहवर्धन को दिया। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद की कठिन परिश्रम को दिया, खुद की कठिन मेहनत को दिया। इन मार्च 1878 में ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लैम्प अर्थात विद्युत लैम्प पे काम करना शुरू किया। चूँकि उससे पहले क्या था कि विद्युत लैम्प से तात्पर्य बल्ब से है, चूँकि जब बल्ब का निर्माण होगा तो ही हम विद्युत लैम्प का निर्माण कर सकेंगे, तो उससे पहले क्या था कि लोगों के पास बल्ब नहीं हुआ करते थे। 1878 में इन्होंने इसके विषय में सोचा और इस पर काम करना शुरू किया। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग कैंडल और ऑयल लैम्प अर्थात मोमबत्ती तथा जो केरोसिन ऑयल होता है उससे जलने वाला लैम्प इस्तेमाल करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत लाइट नहीं थी, विद्युत प्रकाश नहीं था अर्थात विद्युत बल्ब नहीं था। एडिसन प्रोमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स, एडिसन ने उन सबसे अर्थात अपने देशवासियों से वादा किया कि उन्हें 2 साल में विद्युत बल्ब दिया जाएगा। When he said this, जब उन्होंने यह कहा, all the scientists laughed, सभी वैज्ञानिक हंस पड़े at him, उन पर। जब उन्होंने यह कहा तो सभी वैज्ञानिक उन पर हंस पड़े। They said that it was impossible, उन्होंने कहा कि यह असंभव है, अर्थात सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि यह असंभव है। But Edison was not worried at all, पर सब मिलाकर एडिसन चिंतित नहीं हुए।
उन्होंने कहा कि यह असंभव है, पर सब मिलाकर एडिसन चिंतित नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने लगभग 1000 प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वे सब के सब असफल रहे। उन्होंने लगभग 1000 प्रयोग किए विद्युत बल्ब बनाने में, लेकिन वे सब के सब असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ा। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपल, मैं लोगों के जो वादा किया हूँ, मैंने लोगों से जो वादा किया है उसे पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्डर स्टिल, उन्होंने यह बात खुद से कही और कठिन परिश्रम करते रहे। उन्होंने खुद से कहा कि मैं लोगों को जो वादा किया हूँ वह पूरा करूँगा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वह समय के विरुद्ध या समय के विपरीत दौड़ लगा रहे थे। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में उन्हें विद्युत बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त हुई, अर्थात वे विद्युत बल्ब बना पाए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 अर्थात 1200 प्रयोगों के बाद उन्होंने विद्युत बल्ब का निर्माण किया। अंत में लगभग 1200 प्रयोगों के बाद उन्हें विद्युत बल्ब बनाने में सफलता मिली। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन 1880 में, नए साल के दिन ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, 1880 में उन्होंने और उनके सहयोगियों ने अपनी प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट जलाई। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका से लोग केम टू सी, यह देखने आए दैट कि ग्रैंड साइट, भव्य दृश्य, पूरे अमेरिका से लोग यह भव्य दृश्य देखने आए। 1880 में उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने अपने प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब जलाया। यह भव्य दृश्य देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिसन ने लोगों से किया हुआ अपना वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क शहर पहली बार विद्युत बल्ब की रोशनी से जगमगा गया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उन्होंने युद्ध के लिए 40 नई खोजें की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस, इन्होंने युद्ध के लिए 40 नई खोजें की। एंड वॉज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और अपनी सेवा के लिए एक मेडल अर्थात पदक से सम्मानित किए गए, पुरस्कृत किए गए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब की सिल्वर जुबली के अवसर पर, 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब के सिल्वर जुबली के अवसर पर, सिल्वर जुबली अर्थात किसी कार्य को किए हुए 50 वर्ष हो जाए तो उसे सिल्वर जुबली कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रजत क्रांति। जब 100 साल हो जाता किसी कार्य को किए हुए तो उसे कहते हैं स्वर्ण जयंती अर्थात गोल्डन जुबली। तो उन्होंने कहा, सॉरी, इसमें बताया गया है कि 1929 में सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज के सिल्वर जुबली के अवसर पर अर्थात रजत जयंती के अवसर पर, वॉज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, यह जब अवसर आया तो एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, इसको एक भव्य तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उनको सम्मानित किए, उनका अभिवादन किए, उनको रिसीव किए, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, और एक बड़े समारोह में उनका
सम्मान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया और बड़े समारोह में उनका सम्मान किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन राष्ट्रपति को धन्यवाद कार्यक्रम में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उठे। एडिसन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उठे लेकिन वे अचानक बीमार हो गए, अर्थात बीमार महसूस करने लगे। हिज इलनेस बिकेम ओर्स। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18th October 1931। और वे इसी बीमारी से 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह स्वर्गलोक को सिधार गए, अर्थात स्वर्गवासी हो गए, उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man। इस प्रकार एक महान और विख्यात जीवन का अंत हो गया, अर्थात इस प्रकार एक महान और प्रसिद्ध परक आदमी इस दुनिया से अलविदा कह गया। Who enriched human life and happiness। जिसने मनुष्य के जीवन और उसकी खुशी को संपन्नता प्रदान की, अर्थात मनुष्य के जीवन और उसकी खुशी में उजाला लाया, हंसी लाई। ही सेड वंस। उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं ऐसी खोज कभी नहीं करूँगा जो जीवन को बर्बाद करे, अर्थात जिससे जीवन को हानि हो। आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। मैं ऐसी खोजें कभी नहीं करूँगा जिससे जीवन बर्बाद हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी। मैं लोगों को प्रसन्न रखना चाहता हूँ, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड। उन्होंने यह भी कहा कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि विश्व ज़्यादा समय तक अंधेरे में रहा है, अर्थात विश्व ने ज़्यादा समय तक अंधेरा देखा है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट। मैं विश्व को ज़्यादा हंसी और ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। विश्व ज़्यादा समय तक अंधेरे में रहा है, मैं इसको ज़्यादा हंसी और ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड। उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने अपनी बात पूरी की। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर। उनका ग्रामोफोन हमें ज़्यादा हंसी देता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। और उनकी इलेक्ट्रिक लैम्प अर्थात विद्युत बल्ब हमें ज़्यादा प्रकाश देता है। उनका ग्रामोफोन हमें ज़्यादा हंसी देता है, ज़्यादा प्रसन्नता देता है, ज़्यादा खुशी देता है, और उनकी विद्युत बल्ब हमें ज़्यादा प्रकाश देती है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश और विश्व को एडिसन जैसे अधिक लोगों की ज़रूरत है। आज हमारे विश्व और देश को एडिसन जैसे लोगों की अत्यधिक ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल। प्रत्येक लड़के और लड़की को शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। उनके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात प्रत्येक लड़का और लड़की उनके महान अनुसरण पर चलकर नई नई चीज़ें सीख सकता है और अपने जीवन में नया करके अपने देश और समाज का कल्याण कर सकता है। तो आप लोग इसको दोहरा लीजिएगा। कोई भी शंका या सवाल आपके मन में उत्पन्न हो तो आप अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप या अपने विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिएगा, आपके उत्तर का समाधान किया जाएगा। तो जिस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में। तब तक आप देखते रहिए DBSK इंटर कॉलेज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।